हेलो मित्रों, मैं हूं मुकेश बत्ता, बत्ता प्रोडक्शन अहमदाबाद से बोल रहा हूं। बहुत दिनों से रिक्वायरमेंट थी कि SXT के अंदर किस तरह से बैंड लॉक किया जाए, तो उसका वीडियो मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूं। अभी हमने बैंड लॉक की बिगर ही हम इसका टेस्ट कर रहे हैं कि इसमें कितना स्पीड आ रहा है। ये आपके सामने है, चालू है, जिसमें 34.23 डाउनलोडिंग और 21 के आसपास अपलोडिंग की स्पीड आ रही है। अब हम सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे, उसमें आईडी पासवर्ड दोनों डाल लेंगे। ये सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है, आपको टाइमलाइन में दिख रहा होगा। अब इसके अंदर हम जाएंगे इंटरफेस, ऊपर से थर्ड ऑप्शन है, उसके बाद LTE, उसके अंदर जनरल के अंदर ही आपको LTE बैंड दिख जाएंगे। उसमें हमें जितने भी बैंड सिलेक्ट करने हैं, हम जैसे मैंने 1, 3, 40 इस तरह से मैंने बैंड सेलेक्ट किया। उसके बाद एक सेकंड के लिए खाली ये रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद वापस से हम स्पीड्स का स्पीड चेक करेंगे। इससे आप कोई भी बैंड लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी एयरटेल का सिम डाला है तो एयरटेल के बैंड लगाए हैं, अगर आप जियो का डालते हैं तो जियो का बैंड लगाइए, वोडाफोन डालते हैं तो वोडाफोन का बैंड लगाइए। अगर बैंड आपको जानना है तो गूगल में आप सर्च करके ये बैंड कौन से बैंड कहाँ पे लगते हैं तो वो बैंड भी आप जान सकते हैं। अभी डिवाइस हमारे ऑफिस पे पड़ा है, इनबिल्ट है, कंप्यूटर पे लगा हुआ है, ऑफिस हमारी अंदर है, फिर भी हमारी डाउनलोडिंग स्पीड देख लीजिए, अभी 27 Mbps तक आ रही है और अपलोडिंग भी आ रही है हमारी 21-22 तक, जो इनफ है YouTube लाइव करने के लिए। इसका SXT का जो मैंने वीडियो बनाया था वो बहुत लोगों ने देखा है और बहुत लोग उसकी तारीफ करते हैं और बहुत अच्छा सेलिंग है इसका। इस तरह से आप इसका बैंड लॉक कर सकते हैं। बाकी कोई अदर जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर लीजिए। ये दोबारा बैंड लॉक मैं चेंज कर रहा हूँ, जिसे 135 कर दिया मैंने अभी, तो आप वो भी देख सकते हैं कि 135 में भी कैसा, मतलब हर जगह पे अलग अलग बैंड आप जॉइंट करके आपकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। देखो अभी थोड़ी सी स्पीड और भी अप हो गई है, पहले 26-27 आ रही थी, अब 35 तक जा चुकी है, 35-36 Mbps तक की डाउनलोडिंग की स्पीड आ चुकी है। और अपलोडिंग भी देख लेते हैं कि अपलोडिंग कितनी है। अपलोडिंग इसके अंदर थोड़ी सी 21-22 पे ही अटकी हुई है, उससे कम भी नहीं हो रही है, उससे ज़्यादा भी नहीं हो रही है। तो हम आगे भी जाके कि भाई इसके बैंड देख कर और भी एक्सचेंज करके देख सकते कि भाई अब कितना इसके अंदर बैंड डालने पर होगा, तो आगे हम ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे आपकी जानकारी के लिए। धन्यवाद। और आपको बाय करना हो तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बैंड खोल दिए हैं, बैंड खोल के मैंने इसको विथआउट बैंड कर दिया है। थैंक यू सर।